हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे भाइयों का काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट आ रहा था कि भाई अभी जो आप अपना सेटअप दिखा रहे हो इसका पूरा कनेक्शन का डिटेल्स वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फुल कनेक्शन का वीडियो लेके आया हूँ अपने सेटअप का। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग एम्पलीफायर देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने दोनों एम्पलीफायर लगा रखा है। ऊपर का एम्पलीफायर जो है दोस्तों ये हमारा टॉप का एम्पलीफायर है, और जो नीचे दोस्तों मैंने एम्पलीफायर लगाया है ये हमारा बेस का एम्पलीफायर है। और यहीं पर इसी के साइड में देखेंगे दोस्तों तो आपको ये मिक्सर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर दोस्तों आपको सारे के सारे केबल्स देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, ये जो केबल है दोस्तों ये हमारा मिक्सर से मोबाइल या फिर लैपटॉप अटैच करने के लिए है, और ये है जो दोस्तों आपके मिक्सर से आउटपुट निकाल के आपको एम्पलीफायर में इनपुट डालेगा, उसके लिए ये केबल काम में आने वाला है। और ये जो केबल दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये आपके एम्पलीफायर से बॉक्सेस को कनेक्ट करने के लिए है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को अपने सारे के सारे बॉक्सेस दिखा देता हूँ कि मैंने कहाँ पर प्लेस किए हैं। तो दोस्तों आप लोग बाहर की तरफ देखेंगे तो बाहर की तरफ मैंने चारों के चारों टॉप लगा रखे हैं, और इसी के नीचे दोस्तों मैंने बेस रखा है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मेरे सेटअप में कैसा कनेक्शन होने वाला है, क्योंकि बहुत से भाई दोस्तों ऐसे हैं जो कि डीजे के बिज़नेस में नए हैं, उनको कनेक्शन करना नहीं आता। उन भाइयों को कनेक्शन का वीडियो चाहिए ही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से सीखेंगे तभी अपना डीजे का बिज़नेस आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों को बता दूं, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पे डीजे से रिलेटेड नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा मिक्सर, और ये रहा हमारे मिक्सर का बैक पैनल। तो दोस्तों बैक पैनल में आप सबसे पहले मिक्सर का इनपुट आउटपुट सेक्शन समझ लीजिए। ये दोस्तों यहाँ से जो आप इधर देख रहे हैं ये हमारे मिक्सर का इनपुट सेक्शन है तीनों चैनल्स का। आप इस पे लाइन कर सकते हैं, यानी कि लैपटॉप, मोबाइल या फिर आपके पास अगर कोई मीडिया प्लेयर है आप उससे इनपुट दे सकते हैं। और दोस्तों ये है हमारे मिक्सर का आउटपुट सेक्शन, जिससे हम अपने मिक्सर से आउटपुट निकाल के अपने एम्पलीफायर को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा मिक्सर से एम्पलीफायर तक कनेक्शन होगा ये कनेक्शन दोस्तों हमारा स्टीरियो के ऊपर होने वाला है, और जो हमारा एम्पलीफायर से लेके टॉप के ऊपर कनेक्शन होने वाला है और बेस के ऊपर वो हमारा पैरेलल कनेक्शन होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इस टाइप का जो आपको केबल दिखाया था ये केबल दोस्तों आपको अपने मिक्सर के इनपुट सेक्शन पर इनपुट कर लेना है। जैसा कि मैं अभी चैनल 3 पर इनपुट कर रहा हूँ, आप चाहें तो चैनल 1 पे कर सकते हैं, 2 पे कर सकते हैं। और इसका दोस्तों ये जो हमारा दूसरा छोर है, ये दूसरा छोर दोस्तों चाहे तो आप हमारा लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम साइड में करते हैं। अब दोस्तों हम करते हैं अपने मिक्सर से अपने टॉप के एम्पलीफायर को अटैच। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है मेन आउटपुट, तो मेन आउटपुट से दोस्तों हम आउटपुट निकालेंगे। और इसका दूसरा छोर दोस्तों हमारा जाएगा ये टॉप के एम्पलीफायर में, ये आप लोग देख सकते हैं। ये दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपको RCA टू XLR केबल लेना है। आपके मिक्सर में अगर XLR सपोर्ट है तो यहाँ पे जैसे आपके मिक्सर में XLR सपोर्ट है तो आपका XLR से XLR केबल लगेगा, जैक वाला है तो आपका जैक टू XLR लगेगा। इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिएगा। मेरे मिक्सर में दोस्तों RCA टू XLR सपोर्ट है, इसलिए मैंने RCA टू XLR लगाया है। अब दोस्तों बारी आती है बेस की। तो बेस के लिए दोस्तों आपको कुछ इस टाइप से लेना है वायर, XLR फीमेल टू XLR मेल। जैसा कि दोस्तों बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि अपने एक एम्पलीफायर से इस टाइप का आउटपुट डालते हैं, और आउटपुट निकाल के दोस्तों अपने जो बेस के एम्पलीफायर है वहाँ पर क्या है इनपुट कर देते हैं। ये हम कर दिए बेस के एम्पलीफायर में इनपुट। तो देखिए दोस्तों ये भी कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है, ये कनेक्शन दोस्तों हमारा स्टीरियो के ऊपर होने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं अपने केस में ऐसा कनेक्शन नहीं करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसा करता हूँ। इसको पहले निकाल लेता हूँ। दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि मैं कुछ इस टाइप से RCA टू XLR फिर से केबल लेता हूँ, और जो ये हमारे मिक्सर का ये जो बूथ सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है इसमें क्या है, मैं इसका आउटपुट निकालता हूँ बूथ का। एक मिनट आपको दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों जैसे कि मैंने बूथ से आउटपुट निकाला, और इसको क्या करता हूँ दोस्तों मैं अपने बेस के एम्पलीफायर को अटैच कर देता हूँ। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे भाई बोलेंगे कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, बूथ का आउटपुट ऑपरेटर के मॉनिटरिंग के लिए रहता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं क्या करता हूं कि जैसे मेरे को कभी कभी क्या होता है कि टॉप का आवाज़ इतना चाहिए होता है और बेस का इससे ज़्यादा, तो बेस का क्या है मैं बढ़ा देता हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा बेस ज़्यादा बढ़ जाता है, और दोस्तों जो हमारा
टॉप का आवाज़ है वो कम हो जाता है। एक चीज़ दोस्तों आप लोगों को और बता दूं कि पता नहीं इस मिक्सर में ऐसा होता है कि हर मिक्सर में जब मैं बूथ से ये जो आउटपुट निकाल के अपने बेस के एम्पलीफायर को अटैच करता हूँ ना दोस्तों, तो जो हमारा बेस का जो प्रेशर है, मेरे को ऐसा लगता है कि बेस का प्रेशर बढ़ जाता है दोस्तों और बेस अच्छा बजता है बूथ के आउटपुट से। इसलिए दोस्तों मैं अपने मिक्सर में बूथ से आउटपुट निकाल के अपने बेस को अटैच करता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मिक्सर और हमारे एम्पलीफायर का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है, अब हमको अपने एम्पलीफायर से स्पीकर को अटैच करना है। तो दोस्तों आपको कुछ इस टाइप से केबल चाहिए, तो सबसे पहले दोस्तों हम इस केबल का एक छोर लेंगे और ये छोर दोस्तों हम अपने टॉप के फर्स्ट चैनल पर लगाएंगे, और इसका जो दोस्तों हमारा ये जो दूसरा छोर है ये हम अपने किसी एक टॉप पे इंसर्ट कर देंगे। ऐसा आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों क्या करते हैं, हम ऐसा ही एक और केबल लेते हैं, जैसे कि ये मेरे पास रखा हुआ है, ये केबल मैं लेता हूँ और इसका भी दोस्तों मैं एक छोर इसी टॉप के एम्पलीफायर के दूसरे चैनल पे इंसर्ट कर देता हूँ, और जो दूसरा छोर है दोस्तों इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको ले जाके मैं अपने दूसरे टॉप पे इंसर्ट करता हूँ। आप लोग ऐसा देख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे दो टॉप कनेक्ट हो गए। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि हम अगर एक एम्पलीफायर से चार टॉप चलाते हैं तो वो हमारा 2 ओम के अंदर होता है। दोस्तों उसके लिए आपको कुछ इस टाइप से आपको कुछ पैचिंग वायर चाहिए जो कि शॉर्ट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। अब ये केबल दोस्तों आपको इस टाइप का केबल लेना है, और क्या करना है दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ पर जैसे इस अपने एम्पलीफायर से ला के इस टॉप में अटैच किया है, तो इसी का जो नीचे वाला ये स्पीकर सॉकेट खाली है इसमें आपको ये केबल अटैच करके, और दोस्तों आपको क्या करना है अपने यहाँ के साइड वाले टॉप पे अटैच कर देना है। तो दोस्तों एक चैनल पे हमारा दो टॉप कनेक्ट हो रहा है और एक चैनल पे दो टॉप, तो ऐसा कनेक्शन दोस्तों आप करेंगे, ये आपका 2 ओम के ऊपर कनेक्शन होगा और आपका टॉप का कंप्लीट हो जाता है कनेक्शन। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे टॉप के एम्पलीफायर से ये दो आउटपुट निकला है, और ये दो आउटपुट दोस्तों हमारे इस दो बीच के मैंने टॉप को कनेक्ट किए हैं। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा टॉप का केबल आया है, और ये और क्या किया हूँ दोस्तों कि मैं इस बॉक्स से लेके इसको अटैच करके और यहाँ पे दूसरे बॉक्स को अटैच कर दिया हूँ, और इस बॉक्स से लेके मैंने इस बॉक्स को अटैच कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारे चारों के चारों टॉप कनेक्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों बारी आती है हमारे बेस के एम्पलीफायर से बेस को अटैच करना, तो उसके लिए भी दोस्तों आपको कुछ इस टाइप से केबल चाहिए, और इसका दोस्तों हम एक छोर चैनल फर्स्ट पर लगा रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है अकेले लगाना। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे हमने इसको अटैच किया, और इसी का जो दोस्तों हमारा आउटपुट है ये आउटपुट निकाल के आपको क्या करना है अपने बेस पे अटैच कर देना है। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा एक बेस कंप्लीट हो चुका है अपने हमारे एम्पलीफायर के एक चैनल पे। अब दोस्तों हमको दूसरा केबल भी लेना है, और ऐसे ही दोस्तों जैसे ये हमारा एम्पलीफायर का दूसरा चैनल का आउटपुट है, यहाँ पे दोस्तों हम इस केबल को इंसर्ट करेंगे, और ऐसे ही हम ये हमारा दूसरा बेस का इनपुट सेक्शन है, यहाँ पे दोस्तों हम इसको लगा देंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देखेंगे हमारा मिक्सर से एम्पलीफायर ये वायरिंग भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और जो ये मिक्सर से दोस्तों हमारे टॉप और बेस के लिए कनेक्शन निकलते हैं ये भी दोस्तों हमारे कनेक्ट हो चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों हमारा टॉप जो है एक एम्पलीफायर से चार टॉप चल रहे हैं, तो ये दोस्तों हमारे 2 ओम के अंदर कनेक्शन हुआ है, और जो बेस का कनेक्शन है दोस्तों आप लोग देखेंगे तो बेस हमारा 4 ओम पे चल रहा है। अब बारी आती है दोस्तों टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग से पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों आपको एक 10 KVA का स्टेबलाइजर लगेगा, जैसे कि मेरा भी एक एम्पलीफायर 6000 वाट का है, एक 4000 वाट का है। तो दोस्तों जैसा कि मैं 10 KVA का स्टेबलाइजर लगा रखा हूँ, तो जिस जैसे यहाँ पे आप लोग इसके पावर कौन देखेंगे तो दोस्तों स्टेबलाइजर से मैंने अटैच कर रखा है। अब दोस्तों बारी आती है टेस्टिंग की, तो चलिए मैं आपको टेस्टिंग दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसा कि ये हमारा स्टेबलाइजर एम्पलीफायर आप लोग देख सकते हैं यहाँ,